द फोर्थ ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा दो वाइस इंस्पेक्टर्स आसमान से उतरकर नीचे आते हैं एंड वो टियानमिंग के बारे में पूछने लगते हैं। अब टियानमिंग उन दोनों इंस्पेक्टर्स के सामने जाकर अपना सर झुकाते हुए कहता है, मैं आपको ग्रेट करता हूँ, मेरा नाम ली टियानमिंग है। अब जैसे ही सॉन्ग टियानमिंग को देखती है तो वो टियानमिंग से कहती है, क्या तुम वही हो जिसने कि ड्रैकोनिक वाटर ऑबेलिस्क को ले लिया है? अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, जी हाँ मैंने उसे ले लिया है। जिन यीशुआन टियानमिंग से कहता है, ले टियानमिंग उसे बाहर निकालो, हम उसे देखना चाहते हैं। अब टियानमिंग प्रोफाउंड माना को बाहर निकालता है एंड कहता है, ये देखिए। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, शायद वो कन्फर्म कर रहे होंगे कि क्या सच में मेरे पास प्रोफाउंड माना है या नहीं। अब सॉन्ग टियानमिंग के हाथों से प्रोफाउंड माना ले लेती है। ये देखकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड कहता है, वाइस इंस्पेक्टर आखिर इसका क्या मतलब हुआ? अब जिन यीशुआन हंसते हुए टियानमिंग से कहता है, ली टियानमिंग आखिर तुम कैसे विनर का प्राइस चुरा सकते हो? ये प्राइस अब आइसल ट्रायल्स के विनर को मिलने वाला था। अब ये सुनकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड कहता है, लेकिन वाइस इंस्पेक्टर मैंने यूलिंग जी को हरा दिया है एंड उससे मैंने ड्रैकोनिक वाटर ऑबेलिस्क को जीतने के बाद पाया है एंड मैंने अबाइसल ट्रायल्स में फर्स्ट प्लेस ली है, तो इसका इनाम उसको कैसे मिल सकता है? अब जिन यीशुआन टियानमिंग से कहता है, तुम्हें किसने कहा था कि ड्रैकोनिक वाटर ऑबेलिस्क को लेने का मतलब फर्स्ट प्लेस पे आना है? अब सॉन्ग टियानमिंग से कहती है, जो ड्रैकोनिक वाटर ऑबेलिस्क है वो तब अपीयर होता है जब अबाइसल ट्रायल्स ख़त्म हो जाती हैं और ये अबाइसल ट्रायल्स के विनर का प्राइज होता है, तुम्हें इसे छीनने के लिए किसने कहा? अब ये सुनकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड वो उनकी तरफ घूर कर देखने लगता है। अब टियानमिंग उन्हें देखकर अपने मन के अंदर कहता है, ये लोग बेमतलब की बहस कर रहे हैं। अब जिन यीशुआन टियानमिंग से कहता है, अबाइसल ट्रायल्स को सिर्फ वही जीत सकता है जिसने कि ज्यादा लोगों को मारा हो। यूई लिंग जी ने सबसे ज्यादा लोगों को मारा है इसीलिए वो नंबर वन पर है एंड इसी वजह से जो ऑबेलिस्क है वो अपीयर हुआ उसके प्राइस के तौर पर। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, क्या जिसने ज्यादा लोगों को मारा हो? अब तभी पीछे से मॉलिन टियानमिंग का नाम लेता है लेकिन तभी यूई लिंग जी बीच में आ जाती है एंड कहती है, हाँ तुम लोगों ने सही कहा, वो प्राइज मेरा है। वैसे भी टियानमिंग क्या तुम उसे इस्तेमाल भी कर सकते हो? वो वाटर टाइप है तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए बना था ना कि तुम्हारे लिए। अब ये सुनकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड वो उसकी तरफ देखने लगता है। अब यूई लिंग जी सॉन्ग यीशुई के पास जाकर उस प्राइस को लेती है। सॉन्ग यीशुई यूई लिंग जी से कहती है, यूई लिंग जी ये लो अपने ऑबेलिस्क को, इसको दोबारा से मत खोना। अब ऑबेलिस्क को लेते हुए यूई लिंग जी शुक्रिया कहती है। जैसे ही टियानमिंग ये देखता है तो उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अपने मन के अंदर कहता है, जैसा कि मैंने पहले सोचा था, विनर को स्टार्टिंग से ही चूज कर दिया गया था, आखिर उन्होंने रूल्स को पहले क्यों नहीं कहा? शायद ये इसीलिए था ताकि वो अपनी मर्जी से इस गेम को चला सकें। अगर यूई लिंग जी के पास ही वो प्रोफाउंड माना रहता तो ये ही विनिंग की कंडीशन होती, जिसको ऑबेलिस्क मिला वो ही जीतेगा। लेकिन ऐसा तब होता अगर उसने ज्यादा लोगों को नहीं मारा होता। तो इन लोगों ने इस गेम को अपने हिसाब से चलाया। ये एक ऐसा गेम था जिसकी एंडिंग स्टार्टिंग से ही डिसाइडेड थी। उन लोगों ने अलग अलग जगहों से सभी को बुलाया एंड इस गेम में पार्टिसिपेट करवाया। उन लोगों ने 11 लोगों की जान ली ताकि वो यूई लिंग जी को हेवन से लिसिया में भेज सके। आखिर यूई लिंग जी की आइडेंटिटी क्या है? ये गेम वाइस इंस्पेक्टर्स के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है। उनके शब्द ही कानून है, इसीलिए मैं उन्हें अपोज कैसे कर सकता हूँ? पावर हाउसेस के पहले जो वीक थे वो शांत चेस के प्यादों की तरह थे जिन्हें की कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। चेस में जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें यूजलेस समझा जाता था, उन्हें कहीं पर भी इस्तेमाल किया जाता, उनको सेक्रीफाइस किया जाता। चेस की पीसेस की तरह हमें कहीं पर भी इस्तेमाल किया जाता है एंड बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। अब यूई लिंग जी टियानमिंग के पास से गुजरती है। अब वो टियानमिंग को ताना देती है एंड कहती है, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? क्या मजाक है, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम कौन हो? अब वो हंसते हुए टियानमिंग को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। सभी कंटेस्टेंट काफी ज्यादा निराश होते हैं क्योंकि उन सभी को पता था कि ये अनफेयर था। अब जिन यीशुआन सभी लोगों से कहता है, यंगस्टर्स मैं जानता हूँ कि आप लोगों के अभी काफ़ी ज़्यादा विचार होंगे, लेकिन ये हेवन्स एलिसियम का टेस्ट था। मुझे उम्मीद है इस सब के बाद आप लोग बाहर जाकर उल्टी सीधी चीज़ें नहीं कहेंगे।
अगर आप ये करने के बारे में सोचते भी हैं तो ये भी जान लीजिए कि इस चीज़ की वजह से आपके क्लैन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफें होंगी। एंड ये चीज़ को मैं भी जानता हूँ कि इस चीज़ की वजह से आप लोग अपने क्लैंस को तो मुसीबत में नहीं डलवाएंगे। अगर आप अपने क्लैंस को मुसीबत में डलवाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखी एंड निराशाजनक बात होगी, है ना। अब जिन युशवान की ये बात सुनकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, ये क्लियरली एक धमकी थी। अब प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग अब हमें क्या करना चाहिए, क्या अब हम आंटी को नहीं बचा पाएंगे। अब टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग का जवाब देते हुए कहता है, अभी के लिए हम इन्हें निराश नहीं कर सकते, हम इनकी बात मानेंगे अभी के लिए। अब जिन युशवान टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट थी इस अबाइसल ट्रायल्स में, इसलिए मैंने एंड सॉन्ग यीशुई ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें एक कॉन्सोलेशन प्राइज देंगे, एक रॉयल माना। अब सॉन्ग टियानमिंग से कहती है, बच्चे बताओ तुम्हें किस टाइप का माना चाहिए। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, नहीं ये बहुत ज़्यादा बेकार बात है, वो ऑब्लिस्क मेरा होना चाहिए था, लेकिन अब मैं इस रॉयल माना के साथ अटक चुका हूँ, लेकिन अगर मैं इसे नहीं लेता हूँ तो वो चीज़ भी वेस्ट ही होगी, इसीलिए मुझे ये ले लेना चाहिए। अब टियानमिंग उनसे कहता है, लॉर्ड इंस्पेक्टर मुझे लाइटनिंग टाइप माना चाहिए। अब जिन युशवान अपने हाथ को आगे करते हुए एक लाइटनिंग टाइप माना को टियानमिंग को देता है एंड कहता है, ठीक है ये लो, ये 3-pronged इलेक्ट्रो स्पाइक है। अब टियानमिंग उसे ले लेता है एंड जिन युशवान एंड सॉन्ग यीशुई वहाँ से जाने लगते हैं। जिन युशवान जाते हुए टियानमिंग से कहता है, और ज़्यादा मेहनत करो और एक दिन तुम हेवन्स एलिसियम के रैंक तक पहुँच जाओगे। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, आपके इन काइंड शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, ये रॉयल माना परफेक्टली सूट करेगा उस काली बिल्ली के लिए, यानी कि जेनेसिस के लिए। और अगर हेवन्स एलिसियम की बात करें तो अब तभी हम देखते हैं आसमान से सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट के लोग अपने स्टूडेंट्स को लेने के लिए आ जाते हैं। अब हम मुयंग को देखते हैं जो कि उन वाइस इंस्पेक्टर्स को ग्रीट करता है। अब जिन युशवान उन सभी से कहता है, ओह तो तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो, ट्रायल्स भी ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए तुम अपने जीनियसिस को वापस ले सकते हो। अब बाकी अलग अलग कॉन्टिनेंट के सारे जीनियसिस जो थे वो मारे जा चुके थे, लेकिन सिर्फ टियानमिंग एंड उसके दोस्त बचे हुए थे। अब उन सभी को देखकर मुयंग कहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि तुम सभी लोग जिंदा हो। अब हम एक्वामराइन के एक आदमी को देखते हैं जो कि मुयंग की तरफ देखकर कहता है, अरे नहीं एक्वामराइन के सारे जीनियसिस की जनरेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब मुयंग अपने सभी स्टूडेंट से कहते हैं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अब चलो हम वापस लौटते हैं। मॉलिन जाओ एंड मू क्विंग क्विंग को अपने कंधे पर उठाओ, उसे भी साथ में लेकर आओ। अब तभी जिन युशवान पीछे से मुयंग को बुलाता है एंड कहता है, वाइस पोटेंटेट मुयंग थोड़ा रुकिए। अब मुयंग पीछे मुड़ते हैं एंड कहते हैं, आखिर क्या बात है वाइस इंस्पेक्टर्स। अब जिन युशवान मुयंग के पास आते हैं एंड कहते हैं, हम भी इग्निस पॉलिस की तरफ जा रहे हैं तो चलो साथ में चलते हैं। अब ये सुनकर मुयंग उनसे पूछते हैं, लेकिन आप लोग इग्निस पॉलिस क्यों जा रहे हैं। अब जिन युशवान मुयंग से कहते हैं, क्या भूल चुके हैं कि हमें वहाँ से एक डिसिपल को लेना है। अब जैसे ही टियानमिंग ये सुनता है तो अपने मन के अंदर कहता है, लगता है कि ये लिन शियाओटिंग की बात कर रहे हैं। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। मैं मिलता हूँ लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना, माता नहीं।